और फिर बाद रसूल अल्लाह क्या हुआ, इसको अपनी जिंदगी में बिल्कुल क्लियर जान लें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है। अब कमाल की बात यह है कि हजरत आदम पर एतराज हो जाए आप कुछ ना बोले, हजरत मुख्तार को मुर्तद कह दिया जाए, गुमराह कह दिया जाए, कुछ ना बोले, फिकी मसाइल का मजाक बनाया जाए, कुछ ना कहें। आज मजलूमियत का ये आलम हो गया है कि सल्फी और वहाबी अहले बैत की जानिब आ रहे हैं, उनके क्लिप हमारे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ के बाद लोगों के क्लिप तशय्यो के और शियत के मुकाबले में और शियों के मॉरल को डाउन करने के लिए दुश्मनों में चल रहे हैं। कितना शियत के मॉरल को डाउन किया कि हत्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल को शियों पर डाल दिया, कि जो काम पूरी बनू मैया बनू अब्बास ना कर सके। अब अगर कोई एतराज करे तो बजाय एतराज का जवाब देने के, शर्मिंदा होने के, अपनी गलती को सही करने के, क्या प्रोपेगेंडा है जी, MI6 CIA, ये तो कोई जवाब ना हुआ। बाबा अगर कोई शराबी आदमी आपसे कह रहा है, कोई फासिक है, फाजिर है, बदतरीन गुनाह करने वाला है, वो ये कह रहा है कि आपने शिया उसूल दीन के खिलाफ बात की है इस्मत हजरत आदम की मुखालफत करके, तो इसका जवाब यह है कि तुम शराबी हो। बाबा इसका जवाब यह है कि तुम जवाब दो इसका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिस जात की वजह से सोग बढ़ाया, जिस जात की वजह से बीबियों ने, वो जो पूरा सिलसिला था उसको हम जिक्र करेंगे, आप उस जात के ऊपर हमला करें और कोई आपको कहे कि ये आपने गलत किया, वो कोई भी हो, फासिक हो, फाजिर हो, शराबी हो, नाचने वाला हो, गाने वाला हो, ये सवाल उसको करे तो आप कहेंगे जी आप नाचने वाले हैं, ये क्या बात हुई, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। ये बात कब की जाएगी कि जब कोई ऐसा आदमी कहेगा जी मेरे पीछे नमाज पढ़ो, तो फिर आप कहेंगे जी आप आदिल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी मैं हूं गुनाहगार, लेकिन आप अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, तो वो कहेगा जी क्योंकि मैं नेक हूं मौलवी, तो मुझे हक है अल्लाह के वजूद के इनकार का, तो आप कहेंगे क्योंकि भाई मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं, फासिक हूं, फाजिर हूं, मैं अल्लाह के वजूद को साबित करूंगा। तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और मुमकिन है कि आप में से भी बाज़ मोमिनीन जानते हों, तो ये अजीब मुश्किल है। एक शिया आलमे दीन की ये शान नहीं है कि वो शियों को कंफ्यूज करे। शिया आलमे दीन की जिम्मेदारी इस गैबत के जमाने में ये है कि शियों पे एतराजात के जवाब दे, ना के हर रोज कुल यौमन हुआ फी शान, हर रोज एक नया अटैक तशय्यो के ऊपर। तो ये इस वक्त हो रहा है। आज ही हमारी इंडिया के बाद उलमा से बात हो रही थी कि वो तमाम बेहूदगियां के जो पहले नदवा से और देवबंद से और फरंगी महल खुद एक स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया का, वहां से अय्याम अज़ाम होती थी, अब वहां से नहीं हो रही, अब एक अपने आदमी के जरिए से हो रही हैं तमाम वो एतराजात के जो दुश्मन की जानिब से होते थे। अब क्या किया जाए, अब जाहिर है कि ये ऐसी सूरत हाल है कि या शियों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि नहीं जो हो रहा है होने दे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने अक्ल शऊर दी है कि नहीं दी, बिला यानी किसी आलिम और मर्जे की तोहीन हो जाए तो हम किसी के पीछे पड़ जाए, जबकि वो भी गलत है। मिसाल के तौर पर इस वक्त कोई जाकिर आगे सिस्तानी की आग हमनाई की तोहीन करे, हमें खामोश रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हजरत मुख्तार, चलो जी हजरत मुख्तार को छोड़ा, हजरत आदम आगे खामनाई से आगे सिस्तानी से ज्यादा है कि नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आगे सिस्तानी आगे खामनाई की तोहीन कतन हराम है, सही? या मिसाल के तौर पर जैसे दिखाते हैं जी इंग्लैंड के फलाने मुश्तबा नामी शख्स ने आगे बहजत की तोहीन की, कतन हराम है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आगे बहजत या आगे खामनाई या आगे सिस्तानी की तोहीन कतन हराम है,
लेकिन उस तौहीन को करके इंसान शियत से निकलेगा या अदालत से निकलेगा, फासिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फासिख हो जाएगा। लेकिन इस्मत अंबिया का इनकार करके वो शिया उसूल दीन का इनकार करेगा, यानी शियत से निकलेगा। फर्क है दोनों चीजों में। शराब पी के इंसान फासिख होगा, शराब को हलाल कह के इंसान दीन से निकलेगा। तो ये इतनी सादी सी बात है, 2+2=4 वाली, कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। ना हमारा किसी से झगड़ा, ना हमने कभी गंदी जबान इस्तेमाल की, लेकिन जब मामला शिया अकायद और शियों के मॉरल पे आ जाए, जहां 10 आदमी गाली देने वाले हैं, यकीन जाने सुबह से शाम तक कश्मीर के, इंडिया के, पाकिस्तान के, दर्जन उलमा से हमारी बात होती है, चीत होती है, जो सब कहते हैं कि आपने वाहन जुर्रत का काम किया कि शिया अकायद को साफ जबान में बयान किया, ना किसी की तोहीन, ना गाली, ना गलोच, ना हमने तोहीन, ना गाली गलोच कतन फेवर नहीं, और हम इस बात के फेवर में नहीं है। भाई एक आदमी कहता है 2+2=4 है, मैं कहूं तुम तो नमाजी नहीं हो, हसन बेवकूफी की बात है। वो कहता है 2+2=4 तो मैं कहूं तुम तो बेपर्दा हो, ना 2+2=4 है, जो भी कहे 2+2=5 जो भी कहे गलत है, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो साहेब अमामा हो, चाहे कोई भी हो, 2+2=5 कहेगा गलत है। तो बात होनी चाहिए बिल्कुल लॉजिकली, और असल मौजू यह है कि मजहब हक्का अहले बैत का दिफा करना होगा, उसके बारे में कंफ्यूज करने की किसी को इजाजत नहीं, किसी को इजाजत नहीं, ना किसी मौलवी मुल्ला को, जिसके सर पे अमामा हो, चाहे वो 10-10 का हो, चाहे 20-20 का हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो गैर सैयद हो, और ना किसी शेरवानी और टोपी वाले को। मामला ये नहीं है कि हर अमामे वाला हमारा भाई है, ना ना हमारा कोई भाई नहीं है, और मामला ये भी नहीं है कि हर शेरवानी वाला हमारे खिलाफ है, ना ना कोई जाकिर हमारे लिए अच्छा है 100%, ना कोई आलिम हमारे लिए काबिल एहतराम है 100%, ना कोई जाकिर 100% हमारे लिए बुरा है, ना कोई आलिम 100% बुरा है। जो मजहब हक अहल बैत का दिफा करेगा लॉजिकली, वो हमारे लिए अच्छा है। जो मजहब अहल बैत के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एक दफा कर दे कोई बात नहीं, दो दफा हो गई कोई बात नहीं, बार बार अगर करेगा तो बिला शक उसका जवाब देंगे और शराफत के दायरे में देंगे और देते रहेंगे। किसी की मजलिस में जबान फिसल जाए यजीद के बारे में, अल्लाह कह दे कोई बात नहीं जबान फिसल गई, या बरक्स इमाम हुसैन के बारे में नाजेबा अल्फाज निकल जाए, एक दफा निकल गई, कोई है गुनाह? कुछ नहीं। बाज दफा हो जाता है, हजरत फिरौन लोग कह देते हैं हजरत मूसा की जगह, गलती से हो गया तो क्या हुआ? लेकिन अगर हम ये देखें कि जी फिरौन के फजाइल चल रहे हो, हजरत मूसा पे अटैक हो रहा हो और बार बार ये हो रहा हो, तो फिर जो है यहां पर एक्शन लेना पड़ता है, फिर उसको भी देखना पड़ता है, उसके हजरत फिरौन को भी देखना पड़ता है। तो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इस वक्त वो एतराजात हो रहे हैं। अब यहां पर इतनी बात तो वाज़ह है कि बैलेंस होना चाहिए। ये जो बाज़ दफा चीजें चल रही हैं, ये आपने देखा होगा कि वो मटके का आ गया और गाड़ी आ गई और ये सारी चीजें आ गई, ये भी ना ना ऐसी इफरात के जिसके जरिए आज़ादारी इमाम हुसैन पर लोगों को अटैक का मौका मिले, ना ये वाली रविश के एक की वजह से जो है वो सबको रगेद दें,